अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन मैक्रोनी समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक पैन में ऑयल 2 टेबल स्पून, साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया 1 अदद चॉप हुआ हुआ, इसको मैंने हल्का सा सोटे करना है और साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। गाजर इसमें ऐड होगी 1 कप चॉप, शिमला मिर्च 1 कप चॉप, बंद गोभी 1 कप। वेजिटेबल इसमें ये तीनों जाएंगी, अगर आपने मटर डालने हैं या कोई और भी वेजेस यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें चिकन जाएगा, श्रेडेड चिकन होगा 1 कप। अगर आप इसमें कोई और भी वेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मटर आप डाल सकते हैं या कोई और वेजेस तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें सॉसेस ऐड कर देने हैं, ओस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 2 टेबल स्पून। ये सॉसेस मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें बॉयल मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर दी। मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए आपने पैन लेना है, उसमें अच्छे से पानी गर्म कर लेना है बॉयल, साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है और अच्छे से पानी को पका लेना है। इसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है, जिससे हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने आँच बंद कर दी और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने समोसों की पट्टियाँ ले ली हैं और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको समोसा बनाने के लिए किस तरह से फोल्ड किया है। और साथ मैंने इसमें फिर जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था वो ऐड किया। और इसको बंद करने के लिए मैंने आटा और पानी को मिक्स करके उसका एक मिक्सचर बनाया हुआ जो इसको बंद करेगा समोसों को। तो मैंने इस तरह से लगा के ये इसको शेप दे देनी है। आप इसको देख लें कि मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे बहुत अच्छे से परफेक्ट से समोसे बन जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसमें मैंने फिलिंग अप कर देनी है। इस तरह से बंद करती हूँ। इसी तरह ही मैंने अपने बाकी समोसे भी बनाने हैं, तो चले मैं बाकी भी बनाती हूँ इतनी देर में। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए और हम फिर एक एक करके समोसों को फ्राई करेंगे। तो जो समोसे हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।